कह रहे हैं हम दोबारा से दुबई आ गए। भाई ये दुबई नहीं है, कतर में भी ऐसे मॉल हैं। इब्ने बतूता पार्ट टू विलाजियो। अस्सलाम वालेकुम। गौर दिन कतर में ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो गया कतर में, हम भी पुराने हो गए। मैं आया था मस्जिद की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब ये है कि स्थानीय कुछ सामान लेना है और फिर जाना है रूम, सही है ना। और देन फिर उसके बाद ये वीडियो भी आज मैं सोच रहा हूँ एडिट कर ही लूँ, बहुत लेट हो गया। तीन लैंग्वेजेस में बोर्ड पे लिखा जाता है, अरबी, इंग्लिश एंड उर्दू। इससे पता चलता है पॉपुलेशन की कितनी है किसी भी कंट्री में। अच्छा एक चीज़ और मैं रिकॉर्ड ये करना चाह रहा था कि जिनको भी कतर आना है ना, कतर का आजकल एक हया वीज़े का बहुत ज़बरदस्त सीन आया हुआ है, तो आप लोग उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। है भी सस्ता और एक साल का वीज़ा है, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता सा है। तकरीबन 400-500 रियाल में मिल जाता है आराम से, इंश्योरेंस 250-300 की हो जाती है, तो टिकट तो आपने लेना ही लेना है। तो ये है कि अगर आप चाहें तो 3-4 हज़ार रियाल में भी कतर एक साल आराम से सुकून से रह सकते हैं, मसला नहीं है। ये है जी हमारा वक्रा सूख का सेंट्रल पॉइंट। ये आपको मैं यहाँ पे अंदर भी लेके जाता हूँ। हम आ गए हैं दोहा में पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में। अब आप लोगों भी एक चीज शेयर कराते हैं, मैं यूजुअली रात में कार में चला जाता हूँ। ये पेट्रोल पंप है। अब ये आपको पेट्रोल वैसे यहाँ पे सस्ता, इतना महंगा नहीं है, 1.5 है आधी, और जाबी जो है 2.10, 2 रियाल 10 हलाले, और 1.9 है जाबी सिल्वर। पाकिस्तान वालों के लिए देखें जी कितना सस्ता पेट्रोल है, 1.95, क्या बात है। हेलो जी, हम रात में आ गए हैं। मेरी आजकल एक यहाँ पर दोहा में एक बड़ी आदत बन गई है, रात में ड्राइव करता हूँ। और अच्छा अब उसमें जाना मुझे रात में यहाँ पर, चूँकि आपको पता है कि पेट्रोल भी ज़रा सस्ता है, मज़ा बहुत आता है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद फैज़ान, और एक और दिन के आगाज़ दोहा में। अच्छा आज के काम जो अभी किए हैं कुछ, तो अपने पर्सनल लैपटॉप के काम है, एडिटिंग कर रही हैं, फिर उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ एक्सचेंज, कुछ पैसे पाकिस्तान भेजने हैं मुझे, और फिर उसके बाद मुर्गी लेनी है क्योंकि मैं बिरयानी आज बनाने वाला हूँ अपने लिए। और पता नहीं कैसी बनती है, अभी तो मैं खुद ही खा के बताऊँगा, वो शेफ़ भी नहीं होंगे, वो वाओ यम्मी। तो अभी चलते हैं, पहले तो एक्सचेंज, फिर उसके बाद मुर्गी पकड़ते हैं, फिर घर आते हैं वापस।
हाँ तो जी, दो जगहों से तो नाकामी हो चुकी है, अब मैं तीसरे एक्सचेंज पे जा रहा हूँ क्योंकि वो अभी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, उनकी रमज़ान की टाइमिंग थोड़ी सी ऑड है क्योंकि वो सेकंड हाफ़ में आते हैं, फर्स्ट हाफ़ में है नहीं। तो अभी मैं ज़रा दोहा की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं वहाँ ये काम बन जाए। परदेशियों की चांद रात कुछ ऐसी होती है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हैं जी, पेट्रोल डलवाएंगे उसके बाद जाइए कॉर्नर पे बैठेंगे। हाँ जी, ऑल सेट फॉर द ईद प्रेयर। ठीक है जी, बस अभी इसके ऊपर वास्केट पहननी है और नमाज़ के लिए निकलना है। मुझे ऐसा लग रहा है, खैर मैं अब्रॉड में पहली मरतबा ईद तो नहीं मना रहा है, इससे पहले भी बनाई है, बट पहली मरतबा इतनी सुबह सुबह उठ के ना, अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ बाहर के हालात ऐसे हुए हैं, अभी सिर्फ सूरज निकला है और मुझे अभी नमाज़ पढ़ने के लिए भागना है, तो बस मैं निकलता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं मस्जिद में। तो आज ऐसा लग रहा है मुझे कोई ईद मिलने वाला भी नहीं होगा, अकेला अकेला पहली बार। खैर कोई नहीं, पहली बार अकेला हूँ। हाँ ना, मैंने बाहर पाकिस्तान से बाहर ईद बहुत मनाई है, दो तीन ईदें पाकिस्तान से बाहर भी मनाई हैं इस 30 साल ज़िंदगी में। आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं तकबीर की, अल्लाह हू अकबर। अबे मेरी गाड़ी में आप लोग पहले से पहुँचे हुए, पराई गाड़ी में बैठते नहीं है किसी, किसी ने बताया नहीं है। चलो खैर है, बैठ गए तो आज चलो मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, आ जाओ। सीट बेल्ट ज़रूरी है, आज ज़रा मैं जा भी दूर रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, आई होप कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। और बहुत स्वीट हुई हुई है दोहा की सुबह, वाओ मैन। भागो भागो, जमात खड़ी हो गई, जमात खड़ी हो गई। आपको अभी वापसी में दिखाता हूँ, जमात अभी खड़ी हो गई है, भागने का टाइम है। ये देखें जी, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। देखें ये है दोहा का पुराना एयरपोर्ट, दोहा इंटरनेशनल, और वो जो सामने आपको टंकी नुमा दिख रही है इसको कहते हैं दोहा पॉइंट, और ये है कतर एयरवेज का हेड ऑफिस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और दिन का आगाज़ और आज का दिन है ईद का। आप सबको ईद मुबारक, ऑल द वे फ्रॉम दोहा कतर। कतर और अगर मैं ब्रिटिश एक्सप्रेस में खतौर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो अभी हम जाते हैं, हमें अपने लिए केक लेना है, होप सो हमारी स्वागत बेकरी खुली हुई हो तो केक लेते हैं, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ यहाँ पर तो ये मेरा सारा मी टाइम चल रहा है। सो चलें केक लेने चलते हैं, फिर उसके बाद घर जाके सोएंगे, केक काटेंगे, केक खाएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर आज जुम्मा भी है, जुम्मा पढ़ने जाना, और फिर शाम में आई होप सो कि मुझे ईद मजलिस में भी जाना है। हाँ ईद मजलिस में जाना है मुझे, रेडी ऑलिव की। यार वैसे ड्राइविंग इन दोहा इज़ कम्प्लीटली प्लेजर मैन, प्लेजर, मज़ा आता है दोहा में गाड़ी चलाने में। अब मैं रोड पे जा रहा हूँ, कैमरा बंद कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं जी ईद का केक ढूंढने, वैसे लोग मिठाई खाते हैं बट चूंकि मैं अकेला हूँ तो मैं अपने लिए बस केक ले रहा हूँ। यहाँ पे है हमारी अलवकरा स्वीट्स, लेट्स सी खुला है कि बंद है। खुला हो यार, ईद के दिन बंद तो नहीं होना चाहिए वैसे। अपना दिखावा क्लोज ले। तो ये सारी बिल्डिंगें खाली लग रही हैं भाई, यहाँ तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सारे फ्लैट खाली हैं। तो हमारे यहाँ तो खैर कपड़े लटके होते हैं, यहाँ तो कपड़े भी नहीं लटके होते ना, दूसरी तरह पहचानना पड़ता है। वो है उधर हमारी स्वागत बेकरी, आप लोग शायद दिख रही हो, यहाँ से आए केक लेंगे, आई होप केक खुली हो। वैसे जितना रश है मुझे लग रहा है खुली हुई है। स्वागत, सबने केक ले लिया, लोग मिठाई खाते हैं, फिर मैंने केक लिया। भाई मुझे केक पसंद है इसलिए मैंने केक लिया। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, फिर घर जाना, बहुत लेट हो गया, अभी जाकर सोना भी है, इतना ज़रूरी काम करना है केक खाने के बाद। अभी केक खाने का इतना ज़रूरी काम बाकी है, सोना है मुझे, रात भर से जागा हुआ हूँ। ये हमारे इलाके का फ्लोरिडा देखें आप लोग, सारे कैरावैंस ही कैरावैंस खड़े हुए हैं यहाँ पे, सारे लोग जो है इसी तरीके के हैं, और रोड के दोनों तरफ हैं, इस तरफ थोड़े कम हैं बट हैं,
और इस तरफ बहुत ज़्यादा हैं और इनमें लोग भी रहते हैं बाय द वे। बीच में तो मेरे ख्याल है वो मजलिस है, वहाँ पर उन्होंने बड़ी रात में भी लाइटिंग शाइटिंग की हुई थी। किसी दिन मैं आऊँगा रात में, आप लोगों को रात दिखाऊँगा। ये देखें कैसे ज़बरदस्त मोटर होम्स खड़े हैं, सारे मोटर होम्स हैं, सारे आई गेस अमेरिकन हैं। वो हमारे भी ग्राउंड में खड़े होते हैं, पर वो एक दो हैं यहाँ ज़्यादा हैं। ये देखें जी देसी बात वाले दिन क्या करते हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में क्रिकेट चल रही है भाई। देखते हैं हम भी इनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर में। आजो गाइस, ईद का पहला दिन है, खाना खाने चलते हैं। बिरयानी, कराची बिरयानी मंसूरा में बहुत जाले में, आओ दिखाता हूँ, आ जाओ। रुके हुए कहाँ हो, आओ ना चले बस। पहले दिन दिखाता हूँ अभी कराची बिरयानी। ये जी हमारा मंसूरा और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स कराची बिरयानी। कराची बिरयानी यहाँ से बस मुड़ के ही है, कहाँ रह गया, इतनी जल्दी आया था, आज इतना टाइम लगा दिया यार। आए वाह कराची बिरयानी, कराची रेस्टोरेंट सॉरी। आज भी ऐसा लग रहा है रोज़ा ही है, 5 बजे खाना खाने आ रहे हैं। ये जी ईद के पहले दिन हमारा चांद तो दिख गया, कल मुझे नहीं नज़र आया था, आज ये नज़र आ गया।